दान के गुरु महाराज जी एक ने कहानी सुनाई, बोले कर्ण अर्जुन का दिमाग में आगे बार बार है, आगे महाराज ये जो ना भगवान कृष्ण क्यों है, कर्ण ने क्यों इतना महत्व दिया है, दानी कर्ण क्यों बोल रहे हैं कि मेरे भाई युधिष्ठिर है वो कि दान को नहीं करे, वो भी तो कोई दान करे है। तो एक दिन जो ना संयोग बैठे बोले चाल दिखावा, दोनों साधु बन गए, साधु बन के जाकर युधिष्ठिर कन गया। 3 दिन से बरसात हो रही लगातार, बोलो आओ महाराज मेरे लायक सेवा बताओ। बोले सेवा क्या, हम बोले चंदन की रोटियां, चंदन की लकड़ियां पर रोटी बनाया करना, 3 दिन होगा बरसात हो रही थी, सुखो चंदन मिले भी को नहीं। तो तुरंत जो ने सेवका ने भेजा, ले आओ जाओ बाजार में जाओ, उठे फलानी जगह उठे जाओ, सब जगह जो ने वो ढूंढ लिया पर कठे। बोले महाराज बरसात हो रही है, चंदन सुखो को नहीं। तो हाथ जोड़ा बोले यो मैं खुल जाएगा और बाजो बरसात रुक जाएगी, जब तारा चाहोगा उतना चंदन की व्यवस्था कर दूंगा। चल पड़ा, अब चाल पड़ा उठे जाके उन्हें जो है उनकन गया करण कर, अब करण कन जाके प्रार्थना करी, तुम लोग आओ महाराज कहीं, बोले उदास सा दिखो। बोले उदास के, बोले 3 दिन होगा रोटी खाए के हो, बोले जो ना बरसात हो रही है, हम चंदन की रोटी लकड़ियां पर रोटी बनाओ, कितने भी चंदन को नहीं। ओहो बोले तो या तो महाराज कोई बात ही को नहीं। अब ले के तुरंत उनको पिलंगर जो उनका गेट दरवाजा था वह सब चंदन का था, ले के धनुष बाण तोड़ के टुकड़ा कर दिया। अब बोले ना महाराज यू की यू क्यों क्यों तोड़ रहे हैं, बोले चंदन तो सिर्फ फिर बन जाएगा। आज आप बोले अतिथि जो ना घर से खाली चला जाओगे, आप बुखार रहा 3 दिन है, तो फिर ये चंदन के काम आओगे। जब उनको आज जो है ना वह ऐसा ऐसे स्थान पर रहा, पर फिर भी उनको सब धन्य को नाम आता है, करण को परिणाम आवे। क्यों, उनका जीवन को ध्येय यो था,